सेकेंड पेपर में अब पहला जो सेक्शन है हमारा उसमें है वन और मोर देन वन है पहले तो इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड है तो आप जानते हो कि एच ए एच प्लस मान लो हो गया और ए माइनस तो ये पता है आपको सी वन माइनस अल्फा ये आ जाएगा सी अल्फा ये आ जाएगा सी अल्फा सी अल्फा किसके बराबर है एच प्लस के बराबर है एच प्लस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सी अल्फा अब इसका अगर मैं के ए लिखूं दोस्तों क्या आ जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी वन माइनस अल्फा ये सी से सी कट गया तो के ए इक्वल टू हमारा आ गया सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा तो इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब आप देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो इधर तो ये हो जाएगा के ए माइनस के अल्फा के ए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर इसको इसके पास ले जाओ तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर प्लस के ए अल्फा अल्फा कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा के ए प्लस सी अल्फा इक्वल टू के ए तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए बाई के ए प्लस सी अल्फा ये आ गया ये अल्फा इक्वल अब सी अल्फा क्या है एच प्लस है तो अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू के ए बाई के ए प्लस एच प्लस कंसेंट्रेशन ये देखो सही हो गया ये सही हो गया ये गलत हो गया अब आप जानते हो कि पी एच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस तो एच प्लस कितना होगा 10 to the power माइनस ऑफ पी एच एंटी लॉग ले लिया उसी तरह के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 to the power माइनस ऑफ पी के ये पता है हमें तो इसको मैं देखो और करके लिख रहा हूं अल्फा इक्वल टू 1/1 प्लस एच प्लस डिवाइड बाई के ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता वापस आ जाए इनकी जगह इनको पुट कर दो तो अल्फा इक्वल टू 1/1 प्लस 10 to the power माइनस ऑफ पी एच डिवाइडेड बाई 10 to the power माइनस ऑफ पी के ए इसको सॉल्व कर लो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 10 to the power पी के ए माइनस ऑफ पी एच ये भी सही हो गया अब इसको देखते हैं कंडीशन तो कुछ लिया नहीं है तो अपन ले तो सकते हैं ये कंडीशन अब इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा तो अगर इक्वेशन वन की बात करें अगर इक्वेशन ओहो अगर इक्वेशन वन की बात करें तो इफ अल्फा इज लेस देन वन तो ये तो खत्म हो जाएगा तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर सो
सो अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, रूट ऑफ के बाई सी। कंडीशनल तो ये भी आ ही सकता है, ऐसा कुछ बोला तो है नहीं कि लेना है नहीं लेना, तो ये भी सही हो गया। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये भी अपना आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, देखो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर हाफ लाइफ इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर एन माइनस वन होता है। फॉर जीरो ऑर्डर एन की वैल्यू जीरो, सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो सही है। एवरेज लाइफ आप जानते हो टी हाफ इक्वल टू कितना होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। एंड ऑल्सो टी एवरेज इक्वल टू होता है 1/k। इसको यहाँ पे पुट करो, सो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 टी एवरेज। तो टी एवरेज कितना हो जाएगा, टी हाफ इंटू 1/0.693। तो इसको करोगे तो टी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ इंटू 1.4। ये भी सही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हटाते हैं पहले, ये दोनों तो सही हो गए, ये दोनों हमारे सही हो गए, ये दोनों सही हो। अब देखो ये है कि टाइम 75% इज थ्राइस ऑफ द हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर। पहले तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के टी इक्वल टू 1/at-1/a0। तो इसको फॉर हाफ लाइफ टी हाफ जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/ka0, के ए नॉट आ जाएगा, ये टी हाफ। ठीक है, अब 75% तो के टी 75% इक्वल टू, अगर 75% हो चुका है तो बचा कितना, 25% माइनस इनिशियल मान लेते हैं कितना था 100% में, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4-1, ये हो जाएगा 3/100। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया हमारा के टी 75% इक्वल टू 3/100। इनिशियल हमने मान लिया था 100, तो अब रख लो टी, के की जगह रख लो, ये के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ टी हाफ इंटू ए नॉट इंटू टी 75% इक्वल टू 3/100। और ए नॉट हमने कितना माना है, 100 माना है, तो इससे ये कट जाएगा, तो टी 75% कितना होगा, 3 into t half। ये भी सही हो गया, ये तो ये भी सही हो गया। यस, ऑप्शन फोर चेक करते हैं, ऑप्शन फोर ये सही हो गया। 100 मिनट के रेट कांस्टेंट इज इतना, कह रहा 99% रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया है, पर मिनट, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर 99% कंप्लीट होता है कितने में, 100 मिनट में, तो रेट कांस्टेंट इतना आएगा, तो इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। के ही निकाल लेता हूं मैं, तो अगर के इक्वल टू 2.303, टी अगर 100 है, टी अगर 100 है तो लॉग कितना कंप्लीट होगा, 99.9%, मतलब इनिशियल कितना था 100, कंप्लीट हुआ 99.9, तो बचा कितना 0.1। अब ये कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10^3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 6 पॉइंट, लॉग ले लो 3 से मल्टीप्लाई करो, 909 डिवाइड बाई 100,
तो कितना आ जाएगा 0.069 के आसपास आ रहा है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, सही बात है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसमें चारों आंसर अपने सही हो गए, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज तो थ्योरेटिकल टाइप का ही है। इट इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ताकि एक्स्ट्रा वोल्टेज ना जनरेट हो ना, तो ये तो सही है। सर्किट को कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट को या इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, ये भी सही। सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो मिक्सिंग से वो रोकता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टू मिक्स द, ये गलत हो गया। सप्लाई वोल्टेज, इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तो सप्लाई होती नहीं वोल्टेज की, वो तो अपने इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है, देखो SbCl5 अच्छा लुईस एसिड होता है, और अगर कार्बोकेटायन हैलाइड से कार्बोकेटायन को अगर आइसोलेट करना है इन द लैब, तो SbCl5 से ही रिएक्शन कराया जाता है। तो SbCl5 क्या करेगा, ये देखो लुईस एसिड है, ये निकाल दिया यहाँ से, तो इसका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन गया। और ये कार्बोकेटायन जब बना तो ये डीलोकलाइज होना शुरू हो जाएगा, ये तो हो गया एरोमेटिक, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दो चार्ज है और दोनों डीलोकलाइज, पहला तो सही है। दूसरा वाला देखो भाई, इस पर एच प्लस का रिएक्शन कराया, ऑक्सोनियम आयन बनके माइनस ऑफ H2 हो जाएगा, तो बनेगा क्या, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन गया, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो गया। जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है, हीट डाला है तो ये एलिमिनेशन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बेंजीन। तो ये किसका एग्जांपल है, E1 मैकेनिज्म का, ये भी सही है। ये देखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वो भी कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जैसे ये मान लो ये Cl, ये Cl हो गया, अब ये निकला ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बना लिया, अब ये डीलोकलाइज भी हो सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट, वैसे तो और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ये आया यही, अब ये कंबाइन हो जाएंगे, पर कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, तो ये भी सही। ये है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्ब, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसमें भी फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, ये बना ये बना, और ये आपस में कंबाइन होंगे, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये भी सही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। तो देखो इस वाले में यहां से दो डिफरेंट ग्रुप हैं, यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये और ये दो डिफरेंट, मतलब यहाँ ये इस पॉइंट से जी आई शो कर रहा है, और यहाँ ये वाला देख लो, ये इस तरह से है ना, MEH, ये ME है, यहाँ H है, देखो इसको यहां से अगर डिवाइड करो तो ये काइरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकल भी शो कर रहा है और GI भी शो कर रहा है, GI भी शो कर रहा है। यहां से देखो ये दोनों सेम हो गए, तो यहां से तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां से सेम ऐसा ही है, तो ये काइरल सेंटर है तो ऑप्टिकल शो कर रहा है। इसमें देखो यहां से ये, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो यहां से तो कुछ नहीं हो रहा है। अब आप देखो इधर आगे वाला, ये देखो जी एम ई हो गया, ये एच हो गया, ये देखो जी एम ई हो गया, एम ई एच एच, अब ये कायरल सेंटर तो है ही, देखो
टू डिफरेंट फोर डिफरेंट ग्रुप, यहां से भी काइरल है, ऑप्टिकल तो शो कर ही रहा है। अगर मैं कहूं कि ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो देखो इन दोनों सेंटर के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम करेगा और दोनों सेंटर दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल है। सेम सेंटर ऑप्टिकल भी शो कर रहा है और ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, सेम कंसेप्ट यहां भी आता है। इसमें एक ही है, इधर कहीं दो डिफरेंट ग्रुप नहीं मिलेंगे, तो यहां से काइरल सिर्फ बना और इस पर दो डिफरेंट कभी आ ही नहीं रहे, यहां दो देखो एच है, तो यहां से भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर रहा और यहां से भी ज्योमेट्रिकल कहीं नहीं शो कर रहा, सिर्फ ऑप्टिकल शो कर रहा। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ओके नेक्स्ट देखो SN2, एक तो अल्फा हेलो का ध्यान रखना, अल्फा हेलो कार्बोनिल का बहुत फास्ट होता है, अगर ऐसा है तो सबसे फास्ट इसी का SN2 होता है। मिथाइल क्लोराइड से, ये मिथाइल क्लोराइड तो बहुत छोटा होता है और SN2 ही देता है, 1,00,000 times ज्यादा होता है, इतना टाइम्स ज्यादा होता है अल्फा हेलो, अदरवाइज तो नहीं है। तो देखो यहां पर ये अल्फा, तो यहां पर अल्फा तो नहीं है ये, अब इसका देखो सी एल और यहां डबल बॉन्ड है, जैसे ही ये निकलेगा यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज करेक्टर, तो ये क्या करेगा ना, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा, रेजोनेंस इफेक्ट पूरा नहीं होगा बट रेजोनेंस इफेक्ट से उसका ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये वाले से ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अब देखो इसमें ये अल्फा पर है ना, अल्फा पे है कि नहीं, अल्फा वाले का सबसे ज्यादा होता है, ये उल्टा ही लिखा हुआ है ये गया, इसमें देखो यहां पर माइनस आर लग रहा है जबकि यहां पे प्लस एच लग रहा है, माइनस आर लगेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज करेक्टर बढ़ाएगा और प्लस ए लगेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज करेक्टर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक कर सकता है, मतलब ये सही है, रेट इसका ज्यादा। अब यहां देखो ये इसमें अगर मैं यहां पॉजिटिव जब आएगा तो इसका ट्रांजिशन स्टेट हैव हाई एंगल स्ट्रेन सो अनस्टेबल हाई एंगल स्ट्रेन, जैसे ही यहां पॉजिटिव आएगा ट्रांजिशन स्टेट पर वो क्या होगा, हाई एंगल स्ट्रेन इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट इसका क्या होगा एज कंपेयर टू दिस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो इसका रेट इससे क्या होगा, कम। ये तो गलत हो गया, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। ये चलो इनऑर्गेनिक वाले सर करेंगे। ओके अब हम पहुंचते हैं सेक्शन डी में, ठीक है। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये इंटीजर टाइप है, तो देखो ये एसिड है और ये क्या है, बेस, तो अब आप लगा लो N1V1 - N2V2 = N final V5, तो इनकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम ही होगा बिकॉज दोनों का n फैक्टर कितना है, 1, तो डायरेक्ट रख ले, तो 10^-3 × 50 - 50 × 8 × 10^-4, ओके पॉइंट, ठीक है, इक्वल टू एन फाइनल और वी फाइनल कितना हो जाएगा, 100 ml। तो देखो ये तो 50 और 50 तो कॉमन है, ये कितना होगा 0.001 और ये कितना होगा 0.0008, मतलब एसिड जो है एसिड ज्यादा है, एसिड मोर, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा यहां से, पीएच। इसको सॉल्व कर लीजिए
एन कंसंट्रेशन हमारे आ जाएगा डायरेक्ट, वो पीएच देगा आपको माइनस लॉग ऑफ एच प्लस इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एन फाइनल, एन फाइनल। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वी डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क है कंटेन अ गैस, गैस ए, अनदर फ्लास्क टू वी डेसीमीटर क्यूब कंटेन बी, टेम्परेचर सेम है, डेंसिटी तो देखो बच्चे डी इक्वल टू क्या होता है पी एम बाई आर टी, टेम्प ये तो कांस्टेंट है, डी चेंज हो रहा है, पी का रेशियो पूछा है, एम चेंज हो रहा है, सो डी वन बाई डी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वन बाई पी टू इन टू एम वन बाई एम टू। अब ये डी ए हो गया तो ये डी बी हो गया, ये ए हो गया तो ये बी हो गया, ये ए हो गया तो ये बी हो गया। ठीक है, तो डी ए, डी ए थ्री बाई 1.5 इक्वल टू पी ए बाई पी बी इन टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मतलब एम ए जो है वो 1 बाई टू ऑफ एम बी है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं एम बी कितना होगा 2 ऑफ एम ए, रख दो तो इधर लग दो एम ए और एम बी की जगह 2 ऑफ एम ए, एक कट गया ये 2 इधर ले जाओ, तो पी ए बाई पी बी कितना हो जाएगा 6 आएगा, नहीं 6 नहीं आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब आप देखो, आप जानते हो, याद ही होगा आपको पीसी वीसी बाई आर टीसी कितना होता है 3 बाई 8 होता है। इसने पहले तो उल्टा पूछा है, तो आर टीसी बाई पी सी वी सी कितना हो जाएगा 8 बाई 3, साथ में इसने 3 इंटू आर टी सी पूछा हुआ था, इधर अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कट जाएगा, आंसर कितना होगा 8। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर टू 7 mm एसिडिक मीडियम में है, एफ ई प्लस 2 से रिएक्ट किया है, Fe प्लस 2 से रिएक्ट किया है और Fe प्लस 2 को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या आता है Fe प्लस 3, तो n फैक्टर इसका कितना आ जाएगा 1। इसका कंसंट्रेशन Fe प्लस 2 का दिया है 0.1 m, तो नॉर्मेलिटी भी सेम ही हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, n फैक्टर सेम है। अब ये कह रहा है कि अगर इतना Cr2O7 लगता है इसको टाइट्रेट करने में, कहां गया 0.1 को टाइट्रेट, तो हाउ मेनी एम एल, एम एन ओ फोर माइनस का कितना एम एल लगेगा। अब आप देखो एफ ई प्लस टू है हमारे पास सेम का और ये एम एन ओ फोर माइनस है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1, तो यहां तो नॉर्मेलिटी लिखना है ना एन वन वी वन एन टू वी टू, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एम एन ओ फोर का एन फैक्टर कितना होगा एसिडिक मीडियम में 5, इसका कितना दिया है सेम दिया है तो 0.1 m हो गया, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इसका सेम होगा इनटू इसका वॉल्यूम इन ml। अब इसका हमें निकालना है तो यार इसका पता होगा तभी तो कि 0.1 m Fe प्लस 2 का कितना वॉल्यूम लिया था, ये पता होगा तभी तो निकालेंगे ना, उसके लिए हिंट ये है, उसके लिए ये हिंट है कि पहले Fe प्लस 2 सेम Cr2O7 माइनस 2 से रिएक्ट किया, N1V1 इक्वल टू N2V2 से, नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम 0.1 इंटू V1 इक्वल टू इसका कितना है 7.5 ml इंटू मोलरिटी दिया है 0.1 और इसका n फैक्टर कितना होता है 6, तो ये 0.1 से तो 0.1 गया तो V इन ml इसका कितना रहा होगा 6 इंटू 7.5, ये था, ये हमारे पास था।
इसको यहाँ पे चिपका दो, तो 0.1 इंटू 6 इंटू 7.5 इक्वल टू वी इन एम एल इंटू 0.1 इंटू 5, ये 0.1 से 0.1 गया, इससे ये चला जाएगा 1.5, तो V in ml कितना आ जाएगा, 9 ml इसका लगेगा, 9 ml इसका लगेगा। नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द प्रोडक्ट P। तो हाइड्रोलाइज पहले किया है, हाइड्रोलाइज कर दो, लो जी हाइड्रोलाइज कर दिया, COOH हीट भी किया है, हीट करोगे, अल्फा पे कार्बोनिल है, अल्फा पे COH हो, अल्फा पे CN हो, कुछ भी हो, तो हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 CO, CO2 गायब, ब्रेड्स रूल, ना कहते क्या इसको है, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल। तो बचा क्या, खैर हमारे पास उसके बाद देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ये तो अपनी जगह ही रहेगा, और ये इधर COOH, ये 1 2 3, ये इधर COOH 1 2 3 4 5 6, ये फाइनल रहेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने हैं, 2, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नेक्स्ट देखो जी, ये वाला देखो, इस सेंटर को क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है, कैसे फिक्स किया गया, या तो इसका आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, तो फिक्स ही हुआ फिर तो। जब सेंटर फिक्स हो जाता है तो उसका एक ही रहता है, मतलब उसका दो नहीं गिरेंगे, जैसे वन कायरल सेंटर पे दो तो आएगा, एक आर एक एस, उसमें से एक ले लिया गया है, ठीक है, तो इसका दो नहीं गिरेंगे, ध्यान रखना। अब आप देखो, इसका टॉटोमेरिज्म कराया, ETMEH, देखो ये टॉटोमेरिज्म हो जाएगा यहां से पहला, ये तो यहां से अगर हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, CH3CH double bond OH ETMEH। अब ये GI शो कर रहा है और काइरल भी है यहां पे, बट इसका तो दो आएगा, एक GI, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पे दो आता है, एक क्या आएगा EZ आ जाएगा इसका, एक पे दो आ जाएगा, दो तो यहां से आ जाएगा, इसका दो गिनना चाहिए था, बट वो फिक्स है ना, फिक्स है तो दो नहीं गिनेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा। अच्छा दूसरा इसमें, दूसरा इसमें यहां से भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है, तो अगर यहां से टॉटोमेरिज्म अगर हो गया तो CH3CH2OH, अब तो खैर ET और यहां हो गया M, ये भी GI शो कर रहा है, एक सेंटर पे कितना मिलेगा हमें, दो, तो टोटल कितने बनेंगे इसके, 4। अगर ये फिक्स नहीं होता तो यहां पे कितना आता, 2 n 2 4 आ जाता, ठीक है, 4 और इसका आता 2, तो टोटल कितना हो जाता, 6, लेकिन वो चूंकि फिक्स है इसलिए 4 आ रहा है। ये तो इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक, ठीक है ओके, तो ये लास्ट था, खैर
तो ये सारा हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिसीजन कर दिया, इन ऑर्गेनिक और सॉरी फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक वाले सर करेंगे आपका डिसीजन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।